Good morning, students. Today we will continue worksheet 8 of chapter 3 and we will do question number 7. In this question, we have to compute all these. We have to calculate all these. 3 square plus 4 square. But what is the meaning of 3 square? Means we have to multiply 3 2 times. When you multiply 3 2 times, what will you get? 3 3 is a 9. And you solve 3 square? 3 square is 9 plus 4 square. 4 square means 4 to the power 2. 4 to the power 2 means you have to multiply 4 2 times. 4 4 is 16. 4 4 is 16. Okay. In place of 3 square, you will write 9, and in place of 4 square, you will write 16. Then you will add these two. 16 plus 9, 25. Clear? Similarly here, 2 to the power 3 means you have to multiply 2 3 times. 2 to the 4 to the 8. 2 into 2 into 2. 2 to the 4 to the 8. Minus 4 square means you have to multiply 4 2 times. So, when you multiply 4 2 times, 4 4 is 16. Clear? Now we will solve this. Ab dekho beta, 16 is of minus sign and 8 is of plus sign. Opposite sign. When two terms have opposite sign, then they will be subtracted. Okay, so 16 minus 8 is 8. और यहाँ साइन कौन सा है बेटा? बिगर टर्म साइन. बिगर टर्म के साथ कौन सा साइन है? माइनस. सो हियर माइनस साइन विल कम. क्लियर? नाउ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब. क्यूब मींस 1 टू द पावर 3. 3 क्यूब मींस पावर 3. क्यूब मींस पावर 3. 1 टू द पावर 3 मींस व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 3 टाइम्स यू विल गेट 1 प्लस 2 टू द पावर 3. 2 को आप 3 बार टाइम मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 8. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स यू गेट 27. देन ऐड ऑल दी 3. 27 प्लस 8 35 और 1 36. नाउ माइनस 10 टू द पावर 3. बेटा ये देखो, माइनस 10 टू द पावर 3 का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई माइनस 10 3 टाइम्स. This is the meaning. So, जब इसको मल्टीप्लाई करें 10, 10 जा 100, 10 जा 1000. और बेटा, here you can see, minus sign is multiplied 3 times. And 3 is odd. Therefore, when minus sign is multiplied odd times, you will always get minus. बताया था ना आपको? Minus को अगर odd time multiply करोगे, तो minus में आता है answer. And when you multiply minus even times, you will get positive. Clear? So, minus 10 cube means minus 1000. Plus, minus 10 ko 2 times karna hai multiply. Minus 10 ko 2 times. Minus 10 to the power 2. माइनस 10 इंटू माइनस 10. सो 10 10 जा 100 एंड माइनस माइनस प्लस. और ये भी बताया था आपको कि व्हेन माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड इवन टाइम 2 इज इवन सो यू विल गेट प्लस साइन. सो प्लस 100 प्लस 10 टू द पावर माइनस 1 तो माइनस 10 ही रहेगा. अब देखो बेटा, यहां पर एक तो 1000 टा माइनस का और एक है 10 माइनस का. जो माइनस माने वाली टर्म अलग ऐड हो जाएंगी. माइनस 1000 एंड माइनस 10 ये आ जाएगा 1010. क्लियर? माइनस 1010 प्लस 100 प्लस 100. ये दो माइनस माइनस वाली अलग ऐड होगी और प्लस 100.
तो बेटा अब ये प्लस की है एक माइनस की, जब ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 1010 माइनस 100 01910। लेकिन माइनस का आएगा 910, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि तो बेटे आंसर में क्या होता है बड़ी टर्म के साथ का साइन आता है, ऑलवेज माइनस साइन कम आएगा अगर माइनस साइन आएगा अगर बड़ी टर्म के साथ है, बड़ी टर्म क्या है 1010, तो बड़ी टर्म के साथ का साइन आ जाएगा। क्लियर। नाउ 3 क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 27 माइनस टू क्यूब का मतलब क्या बेटा कि माइनस टू को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, माइनस टू क्यूब मीन्स -2 × -2 × -2 2 × 4 × 8 और माइनस साइन और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो क्या आएगा यहां पर -8। क्लियर। अब देखो 27 माइनस माइनस प्लस, और 27 प्लस 8 35। क्लियर। 27 प्लस 8 इज 35। नाउ f पार्ट इज -1 to the power 16, मीन्स -1 को आप इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, इवन टाइम कर रहे हो तो मैंने बताया था माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस, और 1 को तो जितनी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 ही आता, तो ये प्लस 1 आ जाएगा बेटा +1। क्लियर। प्लस -1 को फिर इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से क्या आएगा +1, यहां -1 को और टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो और अब आएगा -1, अब इस आंसर क्या आएगा -1, यहां पर इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा +1। क्लियर। अब देखो 1 + 1 + 1 कितने 1 2 3, 3 + -1 +−, 3 − 1 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। व्हाट डज इट मीन, मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम क्यूब ऑफ 2। व्हाट इज क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2 इज 2 क्यूब, एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ -2, क्यूब ऑफ -2 इज -2 क्यूब, मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -2 क्यूब फ्रॉम 2 क्यूब, इट मीन्स 2 क्यूब माइनस -2 क्यूब, मतलब -2 क्यूब को हमने माइनस करना 2 क्यूब में, 2 क्यूब में से माइनस करना है -2 क्यूब को, तो क्या हो गया ये 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8 माइनस, और -2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 ही होता है, लेकिन माइनस को अगर आप और टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा माइनस में ही आएगा, अगर माइनस को आप और टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर माइनस में, तो ये -2 का क्यूब क्या आएगा -8, क्या आएगा -8, -2 का क्यूब -8। अब 8 − 8 + 8 + 8 = 16। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू वेरीफाई दिस, -2 × -2 = -2 8। अब बेटा -2 का मतलब है वी हैव टू मल्टीप्लाई -2 5 टाइम्स, तो जब आप -2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 2 को कर लो 5 टाइम्स, 2 × 2 = 4 × 8 × 16 × 32 आ जाएगा, और बेटा माइनस साइन को और टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहां साथ में माइनस साइन। अब आ जाओ -2 को 3 टाइम, तो पहले 2 को कर लो, 2 × 4 × 8 8 आ गया, और माइनस साइन वही और टाइम मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा माइनस साइन इज इक्वल टू, अब -2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, तो कितना आएगा 256, जब आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा।
और माइनस साइन को इवन टाइम मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होगा, अगर आपने नहीं लगाया तो ये पॉजिटिव ही है, तो 256 हो गया क्लियर, जब आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव। अब देखो बेटा 32 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16, 8 से 24 और 1 25, 256 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखो दोनों साइड का आगे इक्वल है, इस तरह हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, थैंक यू।